हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू राज ट्रैवल। तो थंबनेल देख के पता चल गया रहेगा कि आज हम हैदराबाद जा रहे हैं। तो जी, आज हमारा हैदराबाद बैंगलोर टू हैदराबाद होने वाला है रोड ट्रिप। तो आज हमारा सडनली प्लान बना कि हैदराबाद जाना है। तो अभी बज गए, दिन के 3 बज गए अभी। तो देखते हैं कितना बजे पहुँचते हैं आगे। मतलब यहाँ से तो दिखा रहा है एक 10 घंटा लग जाएगा ऑलमोस्ट। एक 500 कुछ समथिंग किलोमीटर है, 550-560 समथिंग किलोमीटर है, देखा नहीं। तो अभी देख के हम आपको अपडेट करेंगे कितना किलोमीटर है, कितना बजे पहुंचेंगे और हम किधर रहने वाले, ये सब आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए गाइस, देखते रहिए हमारा आज का ब्लॉग। और ब्लॉग देखने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे वीडियो पर बने रहना एंड तक। तो हम और भी वीडियो निकालने वाले हैदराबाद के, तो आज फर्स्ट ट्रिप है। तो चलिए गाइस, बने रहिए वीडियो पर और मिलते हैं रोड पर। रेडी हो गया? हाँ। चलो आ जाओ। चलो फिर चलिए। तो रेडी, सडनली का प्लान ऐसे ही होता है। वो लैपटॉप है ना, तो उधर, हाँ उस तरफ रखने से उधर बीच। वो दूसरा वाला शू नहीं लिया? हेलो, तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर से और अभी हम लोग व्हाइटफील्ड पहुंच गए हैं ना। तो अभी यहाँ से दिखा रहे हैं 580 किलोमीटर हैदराबाद का जर्नी। तो लॉन्ग ट्रिप है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का लॉन्ग ट्रिप, है ना। सडनली प्लान बना है जाने का। वैसे वीकेंड भी है ना, और हाँ आज फ्राइडे है तो मतलब सैटरडे संडे दो दिन मिलेगा घूमने में। चलिए निकलते हैं, 3 बज गया है तो अराउंड 1 o'clock को रात को पहुँचेंगे। रात को पहुँचेंगे, बस हम लोग बीच में कहीं रुकाने से थोड़ा टाइम लगेगा। तो डिनर के लिए भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलिए कोई नहीं, दिखाते हैं आपको आगे हम कौन सा रोड होके जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग अनंतपुर और करूल होके जा रहे हैं, तो वही रोड होके हम निकलेंगे अभी। तो चलिए हमारा आज का लॉन्ग ट्रिप स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग महादेवपुरा पहुंच गए ना। केयरपुरम रोड, हाँ वही एयरपोर्ट रोड होके कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट होना पड़ेगा ना। अभी पहुंच गए हेपाल। यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक है ना। अब अनंतपुर 196 किलोमीटर दिखा रहे हैं ना यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ये अगर एयरपोर्ट जो रोड है ना उसका आगे जो टोल है ना, अगर वो क्रॉस होने के बाद तो मगर ट्रैफिक नहीं मिलता, मतलब ट्रैफिक इतना नहीं रहता है। ये उसका आगे जितना है वही है ट्रैफिक, उसके बाद तो इतना ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है ना अभी। देखते हैं आगे दिखाएंगे, है ना। ये लंका पहुंच गया अभी। तो आज थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक था बीच में ना। ये साइड पूरा बारिश आया था ना, एयरपोर्ट रोड में पूरा बारिश आया। हमारा उधर तो थोड़ा बारिश नहीं था, जैसे बारिश होता ना पूरा शीशा गंदा हो जाता। या तो पूरा बारिश आना चाहिए या तो फिर बारिश ही नहीं आना चाहिए गाड़ी वाला के लिए। तो ये आप लेफ्ट साइड से गए तो आपको किधर एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, और ये राइट साइड हम सीधा निकलते हैं हैदराबाद के लिए स्ट्रेट के। हाँ, शायद यहाँ से अभी इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा। ट्रैफिक नहीं रहेगा तो अच्छा है, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। बारिश भी आ रहा है ना थोड़ा ना। हाँ थोड़ा आ रहा है। बारिश आया नहीं, आके रुक गया। चिप्स
वाला ना चलो ले लिया, चलो खाने में से। हाँ तो अभी हम लोग ने लिया है अंकल चिप्स, दो पैकेट लिया है सार ने, और ये कोक भी लिया है। इसके इसको पता मतलब है 750 ml का मिलता था ना, 750 रेड बुल लिया है, और ये भी मुरुकू। हाँ ये अच्छा लगता है खाने के लिए, लेकिन ये देखना है कैसा है टेस्ट इसका। इसका टेस्ट जो रहता है ना वो नेवेली में जो रहता है ना उसका टेस्ट वो वाला अच्छा है। और कुरकुरे लिया ना, इतना खाते नेवेली मतलब तमिलनाडु। हाँ नेवेली जो तमिलनाडु में जो मिलता है, जो राहुल को प्रिया का जो मम्मी लेके आती है ना, वो वाला बहुत टेस्टी है, सॉफ्ट एंड टेस्ट ना। हम लोग ने बैंगलोर में भी लिया मगर इतना टेस्ट नहीं था। वही मैं सोच रही हूँ ये वाला सेम ही होगा ना क्या। चलो फाड़ दे लेते खाके। अच्छा है ये थोड़ा। ना थोड़ा टेस्ट है। वो उस दिन लाया था ना वो वाला बहुत ही हार्ड है। कितना दिन के बाद कोक खा रहा है ना, नाक जाता है टका वाला। अनंतपुर 173 किलोमीटर और। तो अभी हम लोग चिकबालापुर क्रॉस कर चुके हैं ना, अभी पहुंच ही गए, मतलब पहुंच गए हैं। पहुंच गए। हाँ। तो अभी थोड़ी देर में अनंतपुर यहाँ से 140-150 रहेगा ना शायद। हाँ ऐसे कुछ दिखा रहा है, और हम लोग को यहाँ से लग जाएगा 8 hours, तो रात ही हो जाएगा। रात में सुबह हो जाएगी, 1 बजे दिखा रहा है देखो। हाँ मॉर्निंग टाइम नहीं, अभी कोई नहीं, अभी ये रोड खाली मिलेगा ना, थोड़ा टाइम कवर अप हो जाएगा, मगर वही 1 बज जाएगा। हाँ। क्योंकि डिनर ये सब करना है ना। अभी ये भी रोड NH 44 है ना। हाँ NH 44, तो चलिए चलते हैं आगे, है ना। 2 घंटे के बाद पहुँच जाएंगे शायद अनंतपुर। हाँ, चलिए तो चलते हैं। लास्ट टाइम हम आया थे ना बता दो साली, तो वो रोड आपको उधर से जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड जो रोड है ना। हाँ हाँ वो लेफ्ट साइड से जाएंगे तो बाटा दो साली ना, कह रहे बता दो हो साली, बाटा दो हो साली वो प्लेस में मतलब जा सकते हैं ना। वो सर्विस रोड से मतलब लेफ्ट साइड लेना है। हाँ सर्विस रोड से जाना पड़ेगा, अगर ये हाईवे पकड़ेगा ना मतलब वो लेफ्ट क्लियर रोड नहीं है। तो अगर आप ये रोड ले फिर आधा वापस घूर के आना पड़ेगा, फिर आगे से क्यों मतलब हम अचानक से सडन प्लान बनाते हैं। हाँ, क्यों बोलो।
सडन से हो जाते ना हमारे। हाँ। मगर अच्छा है ऐसा बात भी। ये ना लेपक्षी जाने का रोड है। अच्छा, यहाँ से जाता है ना लेपक्षी। हाँ। ये क्या, ये भी एक टेंपल है क्या? हाँ, टेंपल है और सुनने में आया बहुत ही सुंदर है, मैंने भी चेक किया था गूगल में। अच्छा। तो आना है कभी। ठीक है, आएंगे कभी दिन। हाँ। मैं प्लान कर रही थी आने के लिए। अच्छा। बहुत सुंदर प्लेस है, तो यहाँ तक आना है हम लोग को। मगर बहुत दूर है ना ये? हाँ, दूर है ऑलमोस्ट, हमको मतलब 4 hours तक लग जाएगा आई थिंक, मोर देन ऐसा ही। ठीक है, अच्छा। तो फिर यहाँ से और अनंतपुर कितना दूर है? आई थिंक 1.5 hours मेबी, मैं चेक नहीं किया हूँ, देखती हूँ। ठीक है, देखो देखो ना, होटल बुक कर रहे हैं ना क्या? हाँ, होटल बुक कर रहे हैं। ठीक है, पहले एक काम करना, पहले फिर होटल बुक कर लो, उसके बाद देखेंगे ना। हाँ, हमें होटल भी बुक करना है, देखते हैं। चलो, है ना। यहाँ से 40 किलोमीटर है ना, किया इंडिया। आई थिंक रोड के सामने होगा ना, तो दिखाई देगा शायद। हाँ, हाँ, रोड के सामने दिखता है, रोड से। हाँ, तो अच्छे से देख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। शाम का समय बहुत ब्यूटीफुल दिखता है ना ये। जितना भी कार है ना, सब यहीं पर मैन्युफैक्चर होता है। चलो नाम के थोड़ा वीडियो ले लेते हैं। तो गाइस, ये किया मोटर्स का वेयर हाउस। तो सबसे ये जो अनंतपुर में जो है वही है, तो सबसे बड़ा मतलब ये पूरा मतलब पूरा जितना इंडिया में जितना भी सप्लाई सब यहीं से होता है, बहुत ही बड़ा है। तो हम भी यहीं पर रुक गए थोड़ा फोटो वोटो लेने के लिए, अच्छा लग रहा है देख के। वाह, ये अच्छा है ना, मेन रोड के सामने में ही है। यहीं पर रुके अभी थोड़ा देर फोटो वोटो लेने के लिए, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, बहुत मतलब अच्छा दिख रहा है ये, देखिए। तो चलिए, लाइट भी जल गया हमारा कार का, तो अंधेरा हो गया ना, अंधेरा हो गया। अभी फिर से 392 किलोमीटर है यहाँ से, लॉन्ग तो लॉन्ग ट्रिप है ना आज, मगर अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है। नया रोड और हम लोग पहले बार जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम है ना हैदराबाद के लिए। करेक्ट करेक्ट, सही। और आसाम जाते वक्त भी हम लोग आंध्र प्रदेश रोड होके ही गए थे ना। हाँ, वो दूसरा रोड से गए थे, तिरुपति होके। हाँ, तो ये रोड से गए थे। हाँ, तो अभी ये जो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये रोड मतलब
नया है ना, हमारे लिए नया है ये रोड, तो मतलब यहाँ का चीज हम नहीं देखे है ना, तो अभी मतलब देख देख के जाने, कुछ नया नया चीज देखने, मतलब मुझे मतलब मेरे को भी चलाने के लिए अच्छा लग रहा है गाड़ी, मतलब आते आते कुछ अच्छा अच्छा चीज आ रहा है, और देखने को मिल रहा है। हाँ, और ऊपर से जो ये रोड है ना, रोड इतना बढ़िया है, NH 44, एक स्पॉट होल नहीं है गाड़ी मतलब रोड पे, अभी तक मतलब 200-300 किलोमीटर चला लिया, अभी तक एक भी मतलब होल नहीं मिला रोड पे, इतना बढ़िया है। तो चलिए और भी लग जाएगा 6 घंटे ना, 6 hours 20 minutes दिखा रहा है, और भी तो आगे चाय पीने रुकेंगे, दिखाते हैं आपको। हाँ, अनंतपुर तो पहुंचने वाला है ना अभी, तो वही मतलब सामने में कुछ रोड के सामने में कुछ होटल होटल छोटा होटल मिल गया तो स्नैक्स कर लेंगे, स्नैक तो है हमारे पास, चाय वाय कुछ ले लेंगे है ना। तो चले फिर दिखाते हैं आपको आगे, बने रहिए वीडियो पर। ये जाने तेरी पत्री भेज। हाँ, तो अभी हम लोग अनंतपुर पहुंच गए ना। हाँ, पहुंच गए मतलब पार हो गया ना। हाँ, अभी हम लोग सिटी पार हो गया। फ्लाईओवर में। हाँ, सिटी पार हो गया अनंतपुर का, तो आगे निकल गए हैं अभी, तो देखते हैं आगे। तो हमारा स्नैक्स का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि एनी हाउ 7:30 तो हो गया ना, तो एक ही बार डिनर कर लेंगे ना क्या। स्नैक्स में तो था ना चिप्स वगैरह, वही खा लिया। हाँ, नहीं मुझे ये मतलब एक ही बार डिनर करना है। अच्छा, तो मतलब रुकते हैं आगे। हाँ, आगे देखते हैं आगे अच्छा होटल मिलेगा हाईवे में, तो वहीं पर रुक के मस्त एक डिनर करके फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी और मतलब चाय स्नैक्स के लिए भी रुक गया तो फिर टाइम लग जाएगा ना, मतलब ऐसे तो हमें अभी 1:30 दिखा रहा है, तो फिर रुक गया, फिर 2-3 बज जाएगा, तो इसलिए एक अच्छा मतलब रनिंग जो फूड है ना वो होटल में घुस के फटाफट खा के निकल जाएंगे, ठीक है। चलो फिर आइले, एक ऑलरेडी खा लिया, भूख का कारण वीडियो करने नहीं पाया, तो यही होटल पे रुके हैं हम लोग, तो यही होटल है, यहाँ पे बाहर बैठ के हम खा रहे हैं होटल पे, आउटसाइड में बैठ के खा रहे हैं, हाईवे के रोड का सामने है। चलिए फिर खत्म खा के खत्म करके और फिर निकलते हैं, और नहीं तो और लेट हो जाएगा, तो चलिए हम लोग भी खाते हैं खाना और निकलते हैं और दिखाते हैं आपको रोड में कितना बजे पहुंचे हैं और कहां कहां से गए, होटल बुकिंग हो गया बताएंगे आगे। चलिए बिरयानी टेस्ट होगा, तो बिरयानी बहुत ही बढ़िया लगा हमें, गुंगुरा बिरयानी था, तो हाईवे के सामने मस्त रोड पर यहीं पर बैठ के रोड के सामने में फुल ओपन एयर में बैठ के डिनर कर लिए, तो चलिए फिर निकलते हैं अभी यहाँ से, तो और भी टाइम लग जाएगा, तो लंच डिनर भी हो गया, आशा पार गई है, तो चलिए फिर निकलते हैं, मिलते हैं रोड पे।
साइड में बहुत बड़ा, मतलब मैं तो सोचा वो प्लेन कहाँ से आ गया एयरपोर्ट जैसा करके। हाँ, मैं भी वही देख। तो देखी हूँ तो कर्नल फर्स्ट मतलब एयरबस रेस्टोरेंट दिखाया है ना, वो एयरप्लेन का अंदर मतलब रेस्टोरेंट, एयरबस रेस्टोरेंट है, बहुत ही बड़ा है। तो इसे मतलब हैदराबाद जाते जाते मतलब इधर लेफ्ट साइड में ही है, हैदराबाद का रोड में ही मिल जाएगा आपको लेफ्ट साइड में। तो ये है बहुत बड़ा है कर्नल में। हाँ, तो आप लोग भी अगर ये रोड आ रहे हो तो दिन को तो आराम से देख सकते हो, रात को भी देख सकते थे। हम लोग ने ऑलरेडी डिनर कर लिया तो इसलिए हम मतलब नहीं घुसे बाहर से। कर्नूल में ही है ना, तो अभी हम लोग कर्नूल पहुंच गए हैं। कर्नूल में पहुंच गए तो आप लोग भी अभी कर्नूल आए हो तो हैदराबाद जा रहे हो या कर्नूल आए हो तो आप मतलब यहाँ पर घुस सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छा है ना, हमें भी घुसने का दिल, मुझे भी घुसने का दिल तो हुआ था, मगर क्या करें टाइम हमारा चला जाएगा ना, एक चला जाएगा। मतलब फिर वन अभी 38 दिखा रहा है, फिर बाद दो तीन बच जाएगा। और अभी यहाँ से कर्नल से अभी 200 किलोमीटर दिखा रहे हैं तो 3 hours 10 minutes जैसा, मतलब 20 minutes जैसा लग जाएगा यहाँ से ना। तो चले आगे बढ़ते हैं। चलो फिर और भी है और लंबा है और 200 किलोमीटर है। पता नहीं चला है ना जल्दी, मतलब आज रुक रुक के भी आए हैं थोड़े थोड़े देर। ऐसा लॉन्ग ड्राइव में ना मजा आता है, पता नहीं चलता अगर ऐसा क्लीन हाईवे है ना। अभी ये कर्नल में थोड़ा सिटी घुस गया बोल के थोड़ा ट्रैफिक, नहीं तो आगे देखा ना कैसा रोड था, कुछ भी मतलब गाड़ी नहीं, खाली खाली रोड में तो पता नहीं चलता ऐसा रोड में मतलब कहाँ पहुँच के कितना जल्दी हो गया। अच्छा लग रहा है अभी, अच्छा लग रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बारिश आ गया कर्नूल पहुंचते पहुंचते, बारिश पूरा शायद यहाँ पे पहले से ही बारिश आ रहा होगा ना। अच्छे से आ रहा है बारिश, बारिश तो अच्छे से आएगा। तो अभी बज रहे हैं कितना, 10:30 बजे बारिश, ऐसा बारिश आया तो फिर हम लेट हो जाएंगे। स्पीड नहीं चला सकेंगे ऐसा बारिश में, स्पीड मतलब नॉर्मल जो 60-70 की। कर्नल के थोड़े आगे तो बारिश ही नहीं था ना। कर्नल जैसे पहुंचे वहीं पे बारिश स्टार्ट, बारिश स्टार्ट। कोई बात नहीं, बारिश आते रहेंगे और हम लोग जाते रहेंगे। सही है।
बड़ी बरसात में पी लेने दो। क्या करेगा इंस्टाग्राम में तो कृष्ण रिवर पहुंच गए ना, क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो यहाँ से और भी 149 किलोमीटर है, हमें और 2 घंटा 2.5 आवर लग जाएगा। तो अभी वेदर भी ठीक है, बारिश भी रुक गया आगे, तो यहाँ से मतलब अभी जा सकते हैं थोड़ा अच्छा से, मतलब नॉर्मल स्पीड में जा सकते हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आगे, अपडेट करते हैं कौन कौन से जगह पहुँचे हैं। तो वैसे भी रात हो गया ना अभी बराबर, मतलब रोड तो नहीं दिखा सकते पूरा, दिन हुआ तो और अच्छा रहता था, मगर रात को भी बहुत बढ़िया दिख रहा है अभी ना, क्लियरिटी है अच्छा है। मतलब रात का ड्राइव में एक चीज़ अच्छा है कि मतलब गाड़ी नहीं रहता कोई भी रास्ते में, आराम से मतलब सिंगल रोड पे सिंगल गाड़ी आराम से चलते रहो, है ना। तो चलो फिर आगे दिखाते हैं। और कैसा लग रहा है 10 आवर्स ड्राइव करके? ड्राइव करके अच्छा लग रहा है, अभी रात का टाइम है ना, अच्छा लगता है ड्राइव करना। दिन को रहता थोड़ा गर्म रहता ना, धूप का वैसे थोड़ा वो रहता है, अभी रात को कुछ टेंशन नहीं है, गर्म नहीं है मेन, तो एसी भी ऑफ कर दिया अभी, तो बढ़िया है। और पहुंच जाएंगे और आधा घंटा में, हाँ है कि नहीं, जस्ट हाफ एन आवर में पहुंचने वाले है ना, हम लोग पहुंचने वाले हैं, जस्ट 7 किलोमीटर है यहाँ से। और जो हमने एयरबीएनबी से बुक किया था वो थोड़ा हैदराबाद पहुंचने के पहले ही है, मतलब 10 किलोमीटर्स का डिफरेंस रहेगा, है ना, एक ही है मतलब थोड़ा आगे, मतलब मेन हाईवे के सामने ही बुक किया है ना हम लोग ने। तो अभी पहुंचने वाले हैं फाइनली, ऑलमोस्ट 1:15 हो गया है अब, जस्ट 8 मिनट्स बाकी, बहुत ही थक भी गए हैं ना। हैदराबाद का प्लान करते करते अभी पहुंच भी गए।
ही चले गए, नेविगेशन बराबर नहीं काम कर रहा था, तो यहाँ से वापस यू टर्न ले लिए हैं। एयरपोर्ट जाने वाला रोड नहीं है ना, होटल होटल ही है, बहुत सारे होटल है ना। बारिश आया था ना इधर पे। पहुंचे गए ना हम लोग, तो ये हमारा रूम हमने बुक किया थे, तो ये एक छोटा सा पॉइंट कॉल यहाँ पे बाथरूम, रूम अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, मगर वही थोड़ा मतलब उल्टा दे दिया हमें रूम, एसी रूम बुक किया था हमने, तो ये विदाउट एसी का लिया। चलो कोई नहीं, देखते फिर आज दूसरा होटल बुक किए वहाँ पर जाएंगे। तो चलिए गाइस, अभी हम पहुँच गए हैं होटल पर, तो अभी अराउंड 2 बज गया, तो चेक इन हो गया हमारा, तो फ्रेश अप हो गए आराम से, पूरा अभी फ्रेश अप हो के आ गए, तो अभी सोते हैं, फिर बहुत थक गए, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल का दूसरे ब्लॉग पर। तो चलिए गाइस, तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।